कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ेंगे। हैप्लोइड मेल गैमेट, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ मतलब हैप्लोइड है, कौन? मेल गैमेट। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक स्पर्म का, या फुल स्ट्रक्चर है तो आप बुक में से देखोगे, कुछ इस टाइप का होता है। ये फुल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस वन। देखिए उसी का एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर शो किया है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए मेनली स्पर्म की स्ट्रक्चर को फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए स्पर्म जो है कैसे हैं, माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। फ्लैजुलेट मतलब उनमें, क्योंकि टेलर स्ट्रक्चर जो है फ्लैजुला की तरह काम कर रहा है। मोटाइल गैमेट, मोटाइल का मतलब है जो मूवमेंट करें। मोटाइल गैमेट्स है विद नो न्यूट्रिटिव मटेरियल, जिनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटेक्टिव एनवलप है, जैसे राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर प्रेजेंट है। स्पर्म इज एनवलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चारों तरफ इसके क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लियर प्रेजेंट होती है। मेनली स्पर्म को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया उसको स्टडी करने के लिए। ये वाला पार्ट हेड पार्ट, दिस पार्ट नेक पार्ट, ये वाला पार्ट मिडिल पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट टेल, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेड। हेड को भी मेन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ये एक्रोसोम और दूसरा ये न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम मतलब एक्रोन मतलब एक्सट्रीमिटी और सोमो मतलब बॉडी, ठीक है, जो कि स्मॉल कैप लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। क्या है देखिए, कैप लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ गॉल्गी बॉडी, जो कि मैंने आपको समय बताया था एक्रोसोम की फॉर्मेशन क्या कर रही है, गॉल्गी बॉडी से हो रही है। तो फॉर्म्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ गॉल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड, जिसका मेन काम है सिक्रीट करना एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइटिक एंजाइम। यही हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से बाइंड करता है तो उसको पेनिट्रेट करने का काम किसका होता है, इससे निकलने वाला एंजाइम लाइटिक एंजाइम, जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। क्या नाम है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जिसका मेन काम क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। तो हेड का ये एक पार्ट है। हेड का दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहता है लॉन्ग नैरो, ऊपर से नैरो है, पॉइंटेड बट फ्लैट एंड ओवल, फ्लैट है एंड ओवल भी है। न्यूक्लियर क्रोमेटिड ऑफ स्पर्मेटिड, उसमें मेनली क्रोमेटिड प्रेजेंट है, लॉस ऑफ आरएनए, आरएनए की मात्रा बहुत कम है, न्यूक्लियस की कम है, एसिडिक प्रोटीन कम है। मेनली वहां पे डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन ज्यादा है, डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक ये वाला पार्ट है, ठीक है, नेक बहुत स्मॉल पार्ट है। मेनली टू सेंट्रियोल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो सेंट्रोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रोल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ईच सेंट्रोल इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपल स्ट्रक्चर, जो ये डिस्टल सेंट्रोल है फर्दर ये ट्यूब्यूल फॉर्म में कन्वर्ट है, ठीक है, जिसको उन्होंने कहा है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपल स्ट्रक्चर हैविंग 9+0 अरेंजमेंट। इनकी अरेंजमेंट है जो आप और हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। मेन सेंट्रोल का काम क्या है, जब वो जायगोट से मिल जाता है तो स्पिंडल बनाएगा, फर्स्ट क्लेवेज करेगा, जायगोट की फॉर्मेशन करेगा। क्या? सेंट्रोल स्पिंडल शेप बनाता है, फर्स्ट क्लेवेज करेगा, जायगोट की फॉर्मेशन करेगा। डिस्टल सेंट्रोल का मेन काम होता है आगे बेसल बॉडी, ये जो नीचे की बॉडी है उसे बनाना और फर्दर टेल में कन्वर्ट होना। ये देखो एक्सोनोमी स्पर्म टेल, ठीक है, एक्सोनोमी मतलब इसके थ्रू वो टेल की फॉर्मेशन मतलब इसको बढ़ाता चला जाता है इस वाले पार्ट को और एक टेल की फॉर्मेशन करता है। अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी दो पार्ट्स और रहते हैं, मिडिल पीस एंड टेल।